नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे हाई और लो मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मैंने बताया था कि शरीर में हमारे कुछ चीज़ें टूट रही हैं, कुछ चीज़ें छूट करके बन रही हैं। इस पूरी चीज़ को, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। पर आम भाषा में ये जो चीज़ें हमारे शरीर में टूट रही हैं और जुड़ करके बन रही है, इसमें हमारा शरीर कुछ ऊर्जा खर्च करता है। हमारा शरीर ये चीज़ें तोड़ने में, हमारे शरीर में और चीज़ें जोड़ करके कुछ बनाने में ऊर्जा खर्च करता है। तो आम भाषा में उस खर्च हुई ऊर्जा को हम मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। तो और शरीर जो ऊर्जा खर्च करता है उसे कैलोरीज में नापते हैं। हम पहले बात कर चुके हैं। अब इस पहले तो एक और चीज़ तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें मेरे किसी वीडियो में कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही। मान लो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मेंटेनेंस कैलोरी, BMR, मेटाबॉलिज्म, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं कोई कैलकुलेशन तुम्हें करके दिखा रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो तुम मेरे पुराने वीडियो में जाकर के सर्च कर सकते हो। एक चीज़, तुम पुराने वीडियोस में जाकर के क्या सर्च करोगे, जो शब्द मैं बोल रहा हूँ जो तुम्हें समझ नहीं आ रहे वो सर्च कर लो। अगर तुम्हें वैसे नहीं करना तो तुम YouTube पे सर्च कर लो वो चीज़। जैसे तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरी समझ नहीं आ रहा तो मेंटेनेंस कैलोरी साथ में मेरा नाम सुशांत कोचर लिख दोगे तो तुम्हें मेरे उस पर जो मैंने वीडियो बनाया वो मिल जाएंगे। तो तुम वहाँ पर देख सकते हो 99% मेरे हिसाब से, 100% पर लगभग 99% मैंने जिस भी चीज़ के बारे में किसी एक वीडियो में बात कर रहा हूँ उससे समझने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं पहले बात कर चुका हूँ। और अगर मैंने नहीं करी है तो मैंने ये बात भी साथ में कह दी है कि मैं इसके बारे में आगे कभी बात करूँगा। तो तुम पर 99% मैंने लगभग हर चीज़ के बारे में बात कर ली है पहले, तो तुम जाकर ये देख सकते हो। अगर कुछ भी किसी वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो जो समझ नहीं आ रहा वो मेरे नाम के साथ में YouTube पर लिख करके सर्च कर लोगे तो मेरे उस पर बनाए हुए बाकी वीडियोज़ तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ, तो मेटाबॉलिज्म हो गया वो ऊर्जा जो हमारा शरीर पूरे दिन में खर्च कर रहा है चीज़ें तोड़ने में और चीज़ें जोड़ करके बनाने में। हाई मेटाबॉलिज्म क्या हो गया और लो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया। हाई मेटाबॉलिज्म हो गया कि हमारा शरीर जो चीज़ें तोड़ने और जोड़ने में ऊर्जा खर्च कर रहा है वो ऊर्जा ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? हाई मेटाबॉलिज्म, लो मेटाबॉलिज्म, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म, कम मेटाबॉलिज्म, तेज मेटाबॉलिज्म कम या धीमा मेटाबॉलिज्म, ये जो सब चीज़ें हैं ये किसी की अपेक्षा बोली जाती है। ऐसा नहीं मेरा हाई मेटाबॉलिज्म, इस धरती में मैं अकेला इंसान हूँ मेरा हाई मेटाबॉलिज्म। किससे हाई है, किससे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म है मेरा? कोई एक दूसरे इंसान से ना, मैं अकेला इंसान हूँ तो मेरा कम ज़्यादा क्या है? मैं कह रहा हूँ मेरा मेटाबॉलिज्म तेज है तो किसी से ज़्यादा, किसी से तेज होगा ना, जिसका धीमा है उससे तेज होगा ना। तो हाई मेटाबॉलिज्म वो है जो कि ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है हर दिन में। आमतौर पे हाई उन्हें कह देते हैं, ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने वाला उन्हें कह देते हैं जो कि एक साधारण इंसान के लिए जितना मेटाबॉलिज्म होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है तो उनको कह देते हैं अरे इसका मेटाबॉलिज्म हाई है। और जिसके साधारण से थोड़ा कम होता है उसको कह देते हैं इसका मेटाबॉलिज्म लो है। जिसके साधारण होता है उसको कुछ नहीं कहते, ना हाई ना लो, ना तेज ना धीमा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म हाई होने का मतलब है, आमतौर पर मेटाबॉलिज्म हाई होने का मतलब है BMR हाई होना, बेसल मेटाबॉलिक रेट। पुराने वीडियोस में देख सकते हो BMR के बारे में अगर पता करना। तो BMR हाई होना क्योंकि क्या है कि BMR ज़्यादा होती है तो अगर आप दो आदमी हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि दो आदमी है, दोनों की BMR में फ़र्क है पर वो पूरे दिन में जो भी कर रहे हैं वो एक जैसा है। तो जिसकी BMR ज़्यादा है उसकी मेंटेनेंस कैलोरी ज़्यादा ही आएगी। आप दो जनों को तब नापोगे ना, दोनों एक जैसे होंगे, इसकी BMR ज़्यादा है मेरी BMR कम है, तो आप हम दोनों को तब नापोगे ना जब हम दोनों एक जैसे काम कर रहे होंगे। वो हफ्ते में 6 दिन कसरत कर रहे हैं और मैं 6 के 6 दिन बिस्तर पर पड़ा हूँ तो आप हम दोनों को कैसे नापोगे? दोनों एक जैसे काम करेंगे तब नापोगे ना। तो आमतौर पर ये नहीं कहा जाता है क्या काम कर रहे हैं क्या काम कर रहे हैं, ये समझ लिया जाता है कि दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं और फिर कहा जाता है इसका मेटाबॉलिज्म हाई है इसका मेटाबॉलिज्म कम है, क्योंकि उनकी BMR उसकी ज़्यादा है तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरी भी ज़्यादा होगी। तो आमतौर पर मेटाबॉलिज्म हाई का मतलब आप समझ सकते हो आम भाषा में कि BMR ज़्यादा है। इसकी BMR ज़्यादा होगी तो मेंटेनेंस कैलोरी ज़्यादा होगी तो मतलब पूरे दिन में ऊर्जा ज़्यादा खर्च करेगा। इसका मतलब इसकी BMR ज़्यादा है, मेटाबॉलिज्म हाई है तो BMR ज़्यादा है, हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे एक आदमी है जिसका नाम हमने P1 रख दिया जिसकी BMR 2000 कैलोरी है, एक आदमी है जिसका नाम हमने P2 रख दिया जिसकी मेंटेनेंस जिसकी BMR 1500 कैलोरी है। P1 की BMR 2000 कैलोरी है, P2 की BMR 1500 कैलोरी है। एक बार मान लिया हमने कि P1 और P2 दोनों सब कुछ एक जैसा करते हैं, हफ्ते में 5 दिन कसरत करते हैं ठीक ठाक,
तो P1 की मेंटेनेंस बनेगी 3100, 1.55 से हमने BMR को मल्टीप्लाई करा है। मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालते हैं उसमें सर्च कर सकते हो पुराने वीडियो में, हाउ टू कैलकुलेट मेंटेनेंस कैलोरी। P1 की आ गई 3100, P2 की आ गई 1500 गुणा 1.55 2325। अब आप देखोगे कि जिस दोनों सब एक जैसी चीजें कर रहे हैं, तो जिसकी BMR ज्यादा उसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा आई, जिसकी BMR कम थी उसकी मेंटेनेंस भी कम आई। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें P1 जो है जिसकी 2000 BMR है वो कुछ नहीं करता पूरे दिन में, बस घर का थोड़ा बहुत सोफे में पड़ा रहता है, उठा कुछ खाने के लिए आया, बैठा खा लिया, फिर थोड़ा इधर से टॉयलेट जा करके आ गया, फिर टीवी देखे जा रहा है पूरे दिन बैठा बैठा ऐसे कर रहा है। और एक P2 है जिसकी BMR 1500 है, वो 6 दिन दबाव करके कसरत कर रहा है, जिम जा रहा है, कसरत कर रहा है। अब क्या होगा, P1 की मेंटेनेंस 1.2 से हम गुणा करेंगे तो आ जाएगी 2400, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा। और P2 है जिसकी BMR तो कम है लेकिन वो इतनी दबा के कसरत कर रहा है, चलिए तो हम 1.725 से गुणा करेंगे तो आ जाएगी 2573। BMR P1 की ज्यादा थी, P2 की कम थी, लेकिन वो पूरे दिन में जो काम कर रहे थे उसके कारण उनकी मेंटेनेंस कैलोरी में फर्क आ गया। P2 की BMR कम होने के बावजूद भी मेंटेनेंस कैलोरी ज्यादा आ गई, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप अगर दोनों को एक जैसे सिचुएशन में, एक जैसे वातावरण में नापोगे, एक जैसी कंडीशन में नापोगे, एक जैसी परिस्थिति में नापोगे कि दोनों बराबर कसरत कर रहे हैं, दोनों एक जैसी चीजें कर रहे हैं, तो जिसकी BMR ज्यादा होगी उसकी मेंटेनेंस कैलोरी भी ज्यादा होगी ऐसे। अब एक चीज और यहाँ पे समझो कि जब हमने 5 दिन दोनों को कसरत कराई तो P1 की मेंटेनेंस आई 3100, P2 की मेंटेनेंस आई 2325। ठीक है, अगर मैं मान लो दोनों को 2500 कैलोरी खिलाता हूँ तो P1 का तो वजन कम होएगा, क्योंकि P1 जितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है रोज की 3100 कैलोरी उससे कम खा रहा है, और P2 का वजन बढ़ेगा क्योंकि वो 2325 कैलोरी खर्च कर रहा है लेकिन 2500 कैलोरी वो खा रहा है, तो जितनी खर्च कर रहा है उससे ज्यादा खा रहा है। पहले वीडियोस में बात हो चुकी है कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस, इन सारे वीडियोस में। तो दोनों खाए एकदम बराबर रहे हैं पर एक का वजन कम हो रहा है, एक का वजन बढ़ रहा है। दोनों काम भी पूरे दिन में एक जैसा कर रहे थे, कसरत वगैरह सब एक जैसे कर रहे थे। कारण क्या है कि BMR एक की ज्यादा थी, एक की BMR कम थी, इसलिए एक का वजन उतना ही खाने पे बढ़ रहा है, एक का वजन उतना ही खाने पे कम हो रहा है। ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, हमने ये बात समझ ली। ठीक है, अब बात करते हैं जिनकी BMR ज्यादा होती है, मतलब जिनकी मेटाबॉलिज्म जिनका ज्यादा होता है, जिनका जो कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म तेज है, उनका क्या है कि वो बहुत ऊर्जा, उनका शरीर वैसे ही बहुत खर्च करता है, वो बिस्तर पे पड़े रहते हैं, और दूसरा आदमी जिसकी BMR कम है वो बिस्तर पे पड़ा रहेगा, तो जो ज्यादा BMR वाला है वो बिस्तर पे पड़ा पड़ा भी ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा है। तो ऐसे लोग क्या है कि इनकी मेंटेनेंस भी ज्यादा होती है, BMR ज्यादा होती है, तो हमने यहाँ पे देखा। तो ये जितना खाते हैं इनके शरीर वो खर्च कर जाता है, अगर इनके शरीर में कहीं ज्यादा फैट वैट इकट्ठा पहले तो हो नहीं पाता क्योंकि इनका शरीर खर्च करता रहता है, और अगर मान लो बाई चांस हो जाता है तो उनका शरीर धीरे धीरे वो भी खर्च कर देता है, क्योंकि इनकी BMR ज्यादा तो इनकी मेंटेनेंस ज्यादा होती है, शरीर रोज ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है, खाते हैं वो भी खर्च हो जाता है, शरीर में ज्यादा चर्बी टिकती नहीं है वो भी खर्च हो जाती है। ठीक है, अब जिसका मेटाबॉलिज्म कम है उसका शरीर वही शरीर में जो भी चीजें तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो भी हो रहा है, पिछले वीडियो में बात करी थी, उसमें ऊर्जा कम खर्च कर रहा है, तो वो अगर बिस्तर पर पड़ा रहेगा तो भी उसका शरीर ऊर्जा कम खर्च करेगा, अगर वो कसरत करेगा तो भी उसका शरीर उस बंदे से ऊर्जा का कम खर्च करेगा जिसकी BMR हाई है और वो भी कसरत कर रहा है। मेंटेनेंस कैलोरी इनकी लो होगी क्योंकि BMR कम है। आमतौर पे इससे हमें यह समझ आ गया कि BMR बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस बढ़ रही है, क्योंकि बाकी चीज़ें हमने मान लिया कि एक जैसी है। तो हम अगर कहते हैं मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि BMR ज़्यादा है। ठीक है, जो पिछले वीडियो में मैंने समझा था इस बार और साफ तरीके से समझा रहा हूँ कि हम इसलिए ऐसा कह देते हैं कि मेटाबॉलिज्म किसी का ज़्यादा है तो कहने का मतलब BMR ज़्यादा है। BMR ज़्यादा होती है तो एक जैसी परिस्थिति में कम BMR वाले से ज़्यादा BMR वाले की मेंटेनेंस कैलोरीज भी ज़्यादा होगी, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा ही होगा। अब ये जो लोग हैं जिनकी BMR कम है, ये क्या है, पतले नहीं होते ज़्यादा, ये थोड़े हरे मतलब भरे भरे शरीर के होंगे या थोड़े मोटे होंगे। कारण क्या है कि इनकी BMR कम है तो मेंटेनेंस कैलोरी कम है, मेंटेनेंस कैलोरी कम है तो इनका शरीर जितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि उससे ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि शरीर ऊर्जा ही कम खर्च कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि 5 दिन कसरत कर रहा है, इसकी 2325 कैलोरी मेंटेनेंस है P2 की, 2500 कैलोरी
2500 कैलोरीज में खाई, इसका वजन बढ़ रहा है, और ये P1 है वो भी उतनी कसरत कर रहा है, सिर्फ उसकी BMR ज्यादा है तो उसकी मेंटेनेंस 3100 कैलोरी होगी और उसका वजन कम हो जाएगा 2500 कैलोरी। इससे आपको समझ आएगा कि जो संसार में आपको लोग दिख रहे हैं जिनको आप देख के चौंकते हो, यार ये कितना खाता है फिर भी इतना पतला है, और फिर आप कई लोगों को देखते हो कि यार इतना कम खाता है फिर भी इतना मोटा है, या खुद को सोचते हो कि यार मैं तो इतना कम खाती हूँ, मैं इतनी मोटी हूँ, इस लड़की को देखो कितना खाती है फिर भी पतली है, लड़का लड़की कोई भी हो, ये कारण है BMR। किसी की BMR कम है तो उसका शरीर ऊर्जा कम खर्च करता है, कुछ नहीं करते हुए भी, और किसी BMR ज़्यादा है तो कुछ नहीं करते हुए भी उसका शरीर ऊर्जा कम, उसका शरीर ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है, और वो पूरे दिन में कुछ भी करें उनकी BMR के प्रोपोर्शन में ही उनकी मेंटेनेंस कैलोरी बनती है, ठीक है। तो कारण है BMR। अब आप कहोगे कि क्या हमें श्राप मिला है, ये पैदा हुए हैं तो हम श्राप के साथ पैदा हुए हैं, कि ऐसा कोई इलाज नहीं है, इलाज है। देखो सबसे पहले तो ये इसका सबसे पहला कारण है आपकी हेरिडिटी जेनेटिक्स, जो आपके जेनेटिक्स है, जीन है आपके शरीर में, उनके कारण आपकी BMR कम या ज़्यादा जो भी है। कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी BMR बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, जिसके बारे में मैं अगले आने वाले एक दो वीडियो में बात कर लूँगा शायद, तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि आप अपनी BMR को कैसे बदलो। इस वीडियो में मैं यही समझाना चाह रहा था। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। अगली वीडियो में नमस्कार।